नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल LifeHacks पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल LifeHacks को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल बाजार में नकली प्लास्टिक के बने हुए चावल मिल रहे हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि चावल असली है या नकली। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहीं आपकी किचन में जो चावल है वो प्लास्टिक के तो नहीं, कहीं आप भी चावल समझकर प्लास्टिक को तो नहीं खा रहे हैं। दोस्तों, प्लास्टिक के ये चावल देखने में बिल्कुल असली चावल की ही तरह लगते हैं, यहाँ तक कि आप पकने के बाद भी असली चावल और इनमें फ़र्क नहीं लगा सकते हैं। पर घबराइए मत, आज हम आपको असली चावल की पहचान करने के कुछ आसान तरीके बताएंगे। चावल को जलाकर करें चेक। दोस्तों, थोड़े से चावल को जलाएं, अगर उन्हें जलाने पर प्लास्टिक की खुशबू आती है तो आप समझ सकते हैं कि यह प्लास्टिक के चावल है कि नहीं। आप चाहे तो चावल का पानी मार को गाढ़ा कर उसे भी जलाकर देख सकते हैं। अगर चावल प्लास्टिक के है तो यह मार प्लास्टिक की तरह जलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इन चावलों में फंगस नहीं लगता है। एक बोतल में इन चावलों को 2 से 3 दिन के लिए उबाल कर रख दें। अगर इन चावलों पर फंगस नहीं लगता तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा खरीदे गए चावल प्लास्टिक के हैं। यदि चावलों में फंगस लग जाती है तो इसका मतलब चावल असली हैं। पानी से करें टेस्ट। 1 चम्मच चावल को 1 गिलास पानी में डालें। कुछ देर बाद अगर चावल ऊपर तैरने लगे तो समझ जाएं कि चावल नकली हैं, क्योंकि प्लास्टिक कभी भी पानी में डूबता नहीं है। गरम तेल से करें चेक। 1 कढ़ाई में तेल को बहुत तेज गर्म कर लें। अब इसमें आधी मुट्ठी चावल डालें। अगर चावल प्लास्टिक से बने होंगे तो वो पिघल कर आपस में चिपक जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया एक ऐसा नुस्खा जिससे आप आसानी से नकली और असली चावल की पहचान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल LifeHacks को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।